आप देख रहे हैं वार्ता 24। भारत को चमत्कारों का देश यूं ही नहीं कहा जाता है। हमारे देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आप खुद ही दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ मूर्ति का आकार साल दर साल बढ़ रहा है। ये मंदिर है भगवान शंकर और पार्वती का और यहाँ स्थित नंदी की प्रतिमा के बारे में कहा जा रहा है। इसका आकार दिन लगातार बढ़ा जा रहा है, यहाँ तक कि खुद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसकी पुष्टि भी की है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित इस मंदिर का नाम है श्री यंगति उमा महेश्वरा मंदिर। अपने आप में इस अनोखे मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ नंदी के बढ़ते आकार की वजह से रास्ते में पड़ रहे कुछ खम्भों को हटाना पड़ गया है। एक एक करके यहाँ नदी के आसपास स्थित कई खम्भों को हटाना पड़ गया है। इस मंदिर का निर्माण वैष्णव परंपराओं के अनुसार किया गया है। इसे 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के राजा हरिहर बुक्का राय के द्वारा बनवाया गया है। ये मंदिर हैदराबाद से 308 किलोमीटर और विजयवाड़ा से 359 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि प्राचीन काल के पल्लव, चोला, चालुक्यास और विजयनगर शासकों की परंपराओं को दर्शाता है। भक्तों का मानना है कि मंदिर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रतिमा के सामने स्थित नंदी की प्रतिमा पहले काफी छोटी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर 20 साल पर नंदी की मूर्ति 1 इंच तक बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि मूर्ति जिस पत्थर से बनी है उसकी प्रवृत्ति विस्तार वाली है। कहा जाता है कि एक शाप की वजह से इस मंदिर में कोई नजर नहीं आते। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना अगस्त्य ऋषि ने की थी। वो यहाँ पर भगवान वेंकटेश का मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन बनवाने के वक्त मूर्ति का अंगूठा टूट जाने के कारण स्थापना को बीच में ही रोक देना पड़ गया था। इससे निराश होकर अगस्त्य ऋषि भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लग गए। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा कि यहाँ उनका मंदिर बनना उचित रहेगा। यहाँ के बारे में स्थानीय लोग एक कथा के बारे में बताते हैं कि तब अगस्त्य ऋषि तपस्या कर रहे थे तो कौवे उनको आकर परेशान कर रहे थे। नाराज ऋषि ने शाप दिया कि वे अब यहाँ कभी नहीं आ सकेंगे। चूंकि कौवे को शनिदेव का वाहन माना जाता है, इसलिए यहाँ शनिदेव का वास भी नहीं होता। यहाँ शिव पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है और इस मूर्ति को अकेले एक पत्थर को तराश कर बनाया गया है। संभवतः ये ऐसा अपनी तरह का पहला मंदिर है जहाँ भगवान शिव की पूजा शिवलिंग रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिमा के रूप में होती है। खूबसूरत प्राकृतिक नजारों से घिरे इस मंदिर की एक खास बात और भी है कि यहाँ पुष्करणी नामक पवित्र जल स्रोत से हमेशा पानी बहता रहता है। कोई नहीं जानता कि साल 12 महीने इस पुष्करणी में पानी कहाँ से है। भक्तों का मानना है कि मंदिर में प्रवेश से पहले इस पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं।